नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों और एवं सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे अपने सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ सामने आ रहा है, एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया देश के यूपी स्टेट में हो रहे कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम जो है ना, वो लीक हो गया है। उसका जो पेपर हो रहा था यूपी स्टेट में, इंडिया देश के यूपी स्टेट में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा था, जिसके अंदर 60,244 लोग इंडिया देश के यूपी स्टेट के पुलिस विभाग में डायरेक्ट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो रहा था। और इसमें देखा ये गया कि उनका जो पेपर था, जो आज बिल्कुल आज सुबह में, आज सुबह की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट को ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पेपर जो है वो लीक हो गए। लीक मतलब क्या होता है? लीक उसको कहा जाता है जैसे कि कोई पेपर अगर किसी समय पर लिया जा रहा है और उस समय से पहले आपको अगर पहले से ही पता लग जाए कि उस पेपर, वो पेपर, क्वेश्चन पेपर कौन सा होगा, क्वेश्चन पेपर में कैसे सीरियल वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और उनका आंसर क्या क्या होगा, ये आपको पहले से ही पता लग जाए, चाहे वो आप लोगों को कोई हार्ड कॉपी दे दे या फिर आप लोगों को ऑनलाइन, अगर आप देखो कि ऑनलाइन आपको कोई सेंड कर दे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कोई सेंड कर दे, या मान लो आपको जो है आपको ट्विटर पे सेंड कर दे, इन सब चीज़ों पे सेंड कर दे, और आपको सही में जब बाद में आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ और आप देखते हो कि हाँ बिल्कुल जो मैंने पेपर देख कर आया था, मेरे को किसी के द्वारा मिला और वही सेम पेपर मैं देखता हूँ कि मैं देख रहा हूँ या देखती हूँ कि मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पे अपना एग्ज़ाम दे रहा था या दे रही थी, तो मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई सेम टू सेम वही आंसर्स, वही क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप पे दिखे थे या टेलीग्राम पर आए। अभी देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है। अभी ऐसे काफ़ी लोग अभी भी आप लोगों में से होंगे जो लोग एग्ज़ाम देकर आ गए हैं यूपी स्टेट में, यूपी स्टेट में अलग अलग सेंटर्स पर गए, कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम देकर आ गए 18 तारीख में, ठीक है, आज के दिन में जो लोग गए सेंटर्स पर जाकर देकर आ गए एग्ज़ाम, और ध्यान से सुनना, और वो लोग एग्ज़ाम देकर आ गए, उनको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम पेपर सही में लीक हो गया। ऐसा लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं। अब मैं आपको बता दूँ, इसमें लगभग 70 से 80% चांसेस ये लग रहे हैं कि आपका पेपर सही में लीक हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताती हैं, 80 से 70% मैं आपको चांस बता रहा हूँ आपके पेपर लीक के। बाकी मैं 20 टू 30% छोड़ देता हूँ बाकी लोगों पे, जो ऐसे लोग कह रहे हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ, या जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कि हम नहीं मानते इन सब चीज़ों में, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ये सब तो एक फेक है, ये सब क्या है कि ये सब एक बनाया जा रहा है, एक ऐसा माहौल जिससे कि इस रिक्रूटमेंट को ख़राब कर सके या फिर गवर्नमेंट की नाकामियों को बता सके, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो, उनका कहना ये है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए, या गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही इस रिक्रूटमेंट को सही से, ऐसा भी लोगों के द्वारा कहने के लिए करा जा रहा है, लोग ऐसा भी कहेंगे। तो अब मैं इसमें देखिए, मैं आपको सारे जो है आपके इसके पॉइंट दिखाने वाला हूँ, काफ़ी सारे ऐप मैंने इसमें टैब खोले हुए हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए कि भाई कितनी सच्चाई है आपके इस एग्ज़ाम में, कि पेपर लीक है या नहीं है, ठीक है। सारा बिल्कुल जो ट्रस्टेड जो रीजन्स है उसके साथ बिल्कुल डिस्कस होगा इस वीडियो में, तो ध्यान से आगे तक बने रहें, समझे कि आपका इंडिया देश में जो कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था वो पेपर क्या सही में लीक हुआ है, और लीक नहीं हुआ तो उसके क्या कारण है, और लीक हुआ है तो मैं कैसे कह रहा हूँ, मतलब मैं दोनों ही बातें बताऊँगा। अगर मैं कहता हूँ कि पेपर लीक हुआ है तो वो किन कारणों से कह रहा हूँ, और पेपर लीक नहीं हुआ तो वो भी मैं कैसे कह पा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं एक भी बात की श्योरिटी नहीं लूँगा इस वीडियो में, साफ सी बात बता दूँ। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि आपको बता दूँ, अभी तक जो यूपी पुलिस बोर्ड है उनके द्वारा कोई कन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन 70 टू 80% चांसेस है कि आपका पेपर लीक है, ऐसा बहुत जगह से पता लग रहा है, ठीक है। अब लीक होगा भी तो आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है,
क्यों भाई, क्यों नहीं घबराए? हमारा तो पेपर लीक हो गया, हमने अच्छी खासी मेहनत करी इसके लिए, हम पढ़कर गए और हमने एग्ज़ाम देकर आए, और हमें पता लग रहा है कि हम तो पढ़ के देकर आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े चले जाते हैं और उनको पता लग, और वो लोग डायरेक्ट इसको उसको पता लग जाता है पहले से ही, उनको पहले से ही डील हो जाती है लोगों के साथ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको पेपर लीक को जो है ना, ये जो पेपर है वो हार्ड कॉपी में लिया होगा, लोगों से ख़रीदा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो है ऑनलाइन आ गया होगा व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे इसका पूरा फाइल, और भले ही उन्होंने बिलीव नहीं किया लेकिन लोगों के द्वारा फाइल आया तो उन्होंने देख लिया, चलो ठीक है आपने भेजा हमने देख लिया ये सब, और वो अपना पढ़कर भी गए। देखिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, पेपर पढ़कर भी जाते हैं, प्लस अगर लीक का भी अगर उनके पास आता है तो उसको देखकर चले जाते हैं, देखकर चले जाते हैं कि क्या पता अगर ऐसा ही हो गया तो वो ऐसा भी करते हैं, तो उनका तो नुकसान नहीं हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली अब आप लोग अंदर से जानते हो कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, आप लोग इस बात को सामने नहीं रखोगे। अब जैसे कि बहुत लोगों ने पेपर देने से पहले ही देख लिया होगा कि उनके पास आ गया था, ये PDF आ गया था, ये फाइल आ गया था, ठीक है, लेकिन वो लोग कोई बोलेंगे नहीं, वो लोग कोई भी ऐसा बताएंगे नहीं कि हाँ भाई हमें मिल गया था ये फाइल, हमें ये जो एक्चुअल जो कॉपी है आंसर की जो थी इसकी, कि किसका आंसर क्या होगा, वो हमें पहले ही मिल गया था और एग्ज़ाम में भी वैसा ही निकला। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे, ठीक है, और डेफिनेट सी बात है यार, आप लोग अगर अपना देकर जाओ, आपको पता लग जाए कि आपके पास ये फाइल आ जाए और आप लोग देख के चले जाओ और अब वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम करके आ जाओ और आपको पता है कि आपको आपने आपको ये फाइल मिल गया था, लेकिन क्या आप लोग बताओगे किसी को भी, कि गवर्नमेंट को या किसी पुलिस विभाग को यूपी स्टेट में, कि हमें तो ये फाइल मिल गया था और हमने इसके बिहाफ पर ही एग्ज़ाम दिया? कोई नहीं बोलेगा भाई, साफ सी बात है यार, आपको कोई फाइल मिल जाए पेपर लीक में तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि हमें ये मिल गया था और हमने इसके बिहाफ पर ही एग्ज़ाम दिया, आप तो यही कहोगे ना कि आपकी प्रिपरेशन से हुआ है। चलिए ठीक है, अब आप में कितने लोग एक्चुअल में सच कह रहे हैं और कितने लोग ऐसे झूठ कह रहे हैं जिससे कि वो लोग उनका एग्ज़ाम में सही में मार्क्स अच्छे आ जाएं, रिक्रूटमेंट मिल जाए, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो अभी इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है, इसके बाद एक वीडियो हो सकता है और आपके साथ अलग से आए, ये देते हुए कि बिल्कुल आपका जब जवाब आ जाए यूपी पुलिस बोर्ड के साइट की तरफ से, तब आपको पूरी कंफर्मेशन दी जाएगी। ये पहला वीडियो पेपर लीक के ऊपर सिर्फ आया है ये बताने के लिए कि जहाँ पर भी आप जहाँ पर भी देख रहे हो पूरे इंडिया देश में इसके बारे में बातें चल रही हैं तो उसको लेकर सारा डिस्कशन होगा, ठीक है। हाँ तो जितने भी इंडिया के लोग हैं सारे लोग ध्यान से सुन लो इस वीडियो को, आप कहीं के भी हो इंडिया देश में, किसी भी जगह के हो, दिल्ली के हो, पंजाब के हो, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, वट एवर योर प्लेस ऑफ रेसिडेंसी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना समझिए कि ये रिक्रूटमेंट हो रहा था ऑल इंडिया बेस पे, ठीक है। मतलब इस रिक्रूटमेंट में एक तो ये था कि 60,000 कितनी वैकेंसी थी, 60,244 वैकेंसीज थी, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट हो रहा था, ठीक है, और आज इसका जो है लास्ट एग्ज़ाम था, मतलब टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना था पूरा। आपको बता दूँ, काफ़ी लोग नए भी होंगे, ये भी समझो कि अगर आपके स्टेट में आपके वहाँ पर पेपर लीक हो जाता है तो वो कैसे पता लगता है और क्या क्या उसके जो है कारण होते हैं जिसके जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो पेपर सही में लीक हुआ है, ठीक है। अगर आप भी आगे चल के कभी इस रिक्रूटमेंट में जाओगे, पुलिस कॉन्स्टेबल ही नहीं अगर किसी और में भी जाओगे, तो आपको पता रहे सारी चीज़ें। सबसे पहले इससे पहले एक और चीज़ बताई जा रही है, यूपी स्टेट में ही एक रिक्रूटमेंट था आप लोगों का ARO और RO पोस्ट पर, ठीक है, ARO और RO, इसमें इसको बोला जाता है रेव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफ रेव्यू ऑफिसर, ठीक है। ये आपको ये एक जो है आपकी पोस्ट थी दोस्तों, ये इसकी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम लोगों द्वारा ये बताया गया कि इसमें ARO और RO का एग्ज़ाम भी इसमें जो है लीक हुआ था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर हुआ था तो आपको पता होगा अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया था। लेकिन यूपी स्टेट में अब ये बताया जा रहा है कि ये दूसरा एग्ज़ाम है 2024 का जो लीक हुआ है, ऐसा काफ़ी लोग कह रहे हैं। मैं भी नहीं कह रहा कि ये लीक हुआ है, मेरी बात को आप ऐसे मत कह लेना कि मैंने कह दिया तो आप मान लो इसको लीक हो गया, क्योंकि ना ही तो मैं रिक्रूटमेंट बॉडी हूँ, ठीक है, मैं रिक्रूटमेंट बॉडी तो हूँ नहीं, मतलब मैं तो रिक्रूटमेंट कर नहीं रहा था, लेकिन आपको सारी बातें क्लियर करना ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है कि भाई लीक हुआ है या नहीं हुआ, कौन कौन लोग ऐसा कह रहे हैं, तो सारी बातें बताई जाएंगी। चलिए तो इस वीडियो में सब डिस्कस होगा लीक के बारे में, पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ। सबसे पहले आप देखोगे अपने स्क्रीन पर यूपी पुलिस के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनकी वेबसाइट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इस वेबसाइट पर अभी तक कोई भी पेपर लीक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना ही इन्होंने ऐसा बोला अभी तक कि ये जो लीक वाली खबर है वो गलत है, ना ही ऐसा बोल रही है, ना ही ये यूपी बोर्ड पुलिस बोर्ड ऐसा बोल रहे हैं कि ये खबर सही है, मतलब ना ही इसको सही बता रहे हैं ना ही अभी तक गलत बता रहे हैं,
सिंपल सी बात वो ये कह रहे हैं कि हम अभी इसके ऊपर देख रहे हैं, अगर आगे चल के पता लगता है कि लीक हुआ है तो फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो मैं इंडिया के जितने भी लोग सुन रहे हैं सबसे यही कहूँगा कि अभी किसी की बात पर भरोसा ना करें, लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशन बताई गई हैं जिससे मैं तो मान रहा हूँ कि पेपर सही में लीक हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये आपका वेबसाइट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आऊँगा, देखिए ये ट्वीट आप लोग देखोगे, ये यूपी पुलिस का जो रिक्रूटमेंट बॉडी है उनके द्वारा ट्वीट होते हैं, जो ट्विटर एप्लीकेशन है जो आज के समय पर जिसका नाम एक्स हो गया है, उस एप्लीकेशन पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर उनके ट्वीट जाते हैं। सब लोग ट्वीट कर सकते हैं उस ऐप पर, तो आप देखोगे यहाँ पर ट्वीट उनके आ रहे हैं। तो इसी में आपको दिखाता हूँ उनका लास्ट ट्वीट। ठीक है, मैं इसको पहले रीलोड कर लेता हूँ। हाँ अभी देखिए, देखिए इसमें आपको बता दूँ, 17 का शिफ्ट 1 को कहीं ना कहीं लोग पेपर लीक नहीं बता रहे हैं, लेकिन 17 का सेकंड शिफ्ट और 18 का तो दोनों पेपर लीक बता रहे हैं। मतलब ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि 18 का सेकंड शिफ्ट तो कन्फर्म्ड लीक्ड है, पूरा लीक्ड था। मतलब जो दोपहर वालों ने एग्ज़ाम दिया है 18 तारीख में, उनमें तो ये लोग कह रहे हैं कि 100 में से 80 के लगभग बच्चे लोग कैंडिडेट ऐसे होंगे, मतलब जो 100 लोग एग्ज़ाम देने अंदर सेंटर में गए हैं, अंदर जाकर जो डेस्क पर बैठ कर उन्होंने जो सेंटर पर एग्ज़ाम दिए होंगे, जो 800 में से लगभग 80 लोग ऐसे रहे हैं शिफ्ट सेकंड में 18 तारीख में, जिन्होंने बिल्कुल आंसर जानते थे वो लोग पहले से ही, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और वही संख्या अगर आप लोग सुबह वालों में देखोगे, आज ही के दिन, आज के दिन में ही जो सुबह में लोग एग्ज़ाम देने गए, उसमें बताया जा रहा है कि 100 में से लगभग मान के चलो 50 से 60 के लगभग लोग, यानी कि आधे से ज़्यादा लोग आंसर्स पहले से ही जानते थे। ठीक है, और वहीं अगर मैं पीछे आ जाऊँ इसके, यानी कि 17, यानी कल वाले जो दोपहर की शिफ्ट में आ जाऊँ, तो वहाँ ऐसा कहा जा रहा है वो भी शिफ्ट लीक हुई थी। वहाँ पर लगभग 100 में से 20-30 बच्चे ऐसे, 20-30 ऐसे कैंडिडेट्स जिनको रिक्रूटमेंट लेनी थी, उनका वो लोगों को आंसर पहले से ही पता थे। ठीक है, इसी को पेपर लीक कहा जाता है। ठीक है, अभी काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, मैं आपको बता दूँ, पेपर लीक इसी को कहा जाता है। पेपर लीक का मतलब यह है कि पेपर जो है, जो बॉडी थी रिक्रूटमेंट बॉडी थी, उनको बिल्कुल ऐसे रखना था, प्रोटेक्शन वाइज रखना था कि किसी को पता ना लगे हमारा कौन सा पेपर हम दे रहे हैं, कौन सा सेट बना रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन डाल रहे हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर में, ये लोगों को पता ना लगे, बाहर किसी को पता ना लगे। इस चीज़ के लिए वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक जो है पुलिस बल जो होते हैं, या फिर पुलिस के कुछ जो है वहाँ पर, जैसे आप ही लोगों की तरह कॉन्स्टेबल और ये सब लोग रहते हैं सेंटर्स पे, कुछ ऐसे ही बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर रहते हैं निगरानी के लिए कि भाई एग्ज़ाम लीक ना हो और पेपर सही से हो जाए। ठीक है, और कोई ऐसी गलत चीज़ें ना हो सेंटर पर, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करी जाती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक को एक ही जैसा क्वेश्चन पेपर बनना और उसके बाद उसका पूरे स्टेट में, पूरे स्टेट में उसका कॉपी पहुंचना और उसके बाद उसको सही से हो जाना, तो एक काफ़ी ज़्यादा एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सभी लोगों का सिलेबस सेम होता है, और पूरे स्टेट में, पूरे यूपी स्टेट में वो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचेगा, उसकी कॉपियाँ पहुँचनी ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, और फिर उसके बाद वो लोगों को मिलेंगी और फिर उसके बाद उस पर लोग एग्ज़ाम देंगे। तो अब आप सोचोगे कि इतने बड़े स्टेट में जब वो क्वेश्चन पेपर जगह जगह सर्कुलेट होगा, सेंटर्स पर जाएगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस तो कन्फर्म्ड है कि पेपर लीक हो जाए, तो इसीलिए इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, 17 तारीख के पहले शिफ्ट के पेपर को यही कहा जा रहा है कि वो लीक नहीं था, लेकिन उसको दूसरे शिफ्ट में और बाकी, मतलब आप ये समझ लो चारों शिफ्ट में से लास्ट के तीनों शिफ्ट का पेपर लीक बताया जा रहा है, जिसमें से लास्ट शिफ्ट का कन्फर्म बताया जा रहा है, उससे पीछे वाली शिफ्ट का 50-60 जो 60-20 ऐसे तरीके से बता रहे हैं वो, और उसके पीछे वाला यानी कि जो 17 तारीख का था उसमें वो लोग कन्फर्म नहीं है, लेकिन 18 के तो दोनों पेपर में कन्फर्म्ड हो रहे हैं लोग कि वो सही में लीक था। ठीक है, तो मैं इसको पहले जैसे रीलोड करूँगा तो आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पर इनका कोई भी ट्वीट नहीं है पेपर लीक के मामले में, आप देख लो, ये 17 घंटे पहले इनका जो लास्ट ट्वीट आया है वो 17 घंटे पहले आया है, जिसमें इन्होंने देखिए क्या बताया है, वाराणसी के एक केंद्र से प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर के कुछ पृष्ठों मतलब कुछ पेजिस में त्रुटिपूर्ण छपाई छपाई संबंधी प्रकरण संज्ञानित किया गया है, प्रकरण को बोर्ड ने पूर्ण गंभीरता से लिया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और अभ्यर्थी इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला है कि वाराणसी, इंडिया देश के यूपी स्टेट के वाराणसी जगह पर एक सेंटर था इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम का, और उसमें ये बोल रहे हैं कि उसके एक सेंटर पे ऐसा देखा गया कि जो क्वेश्चन पेपर था उसके जो कुछ जो है पेजेस थे ना वो गलत छप गए थे। ठीक
ठीक है, छपाई मतलब उसमें मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो मिस प्रिंटिंग तो कोई बड़ा इशू है नहीं, तो इसको आप लोग इतना मत देखो, फिर भी आपके में रहा था, तो ये आप देख सकते हो। ये कब की बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आप लोगों का पिछले वाला 17 घंटे पहले, यानी कहीं ना कहीं ये आपके 17, ये आपका जो एग्ज़ाम रहा था 17 घंटे पहले की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये 17 तारीख वाली एग्ज़ाम की बात कह रहे हैं, आज की नहीं कह रहे, ठीक है। तो इसमें आप लोग मत मानना, और ये सब चीज़ें आप लोग मत मानना। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर 22 घंटे पहले एक और ट्वीट है कि प्रारंभिक जांच, ठीक है, ये लोग ये अपनी जांच भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए क्या लिखा है, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की मतलब कि आप लोगों से पैसा लेने के लिए, आप लोगों से पैसा चार्ज करने के लिए या पैसे ले लेने के लिए, ठगने के लिए, यहाँ पर क्या किया गया, ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग, मतलब टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उस पर लोग एडिट कर सकते हैं, एडिट मतलब कोई चीज़ उन्होंने डाल दी तो उसको एडिट कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कुछ, तो इन्होंने बोला है अराजक तत्वों द्वारा, तो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि लोगों ने ठगी करी है और पेपर लीक करा है, ऐसा कोई जो है मिसकंडक्ट फैला रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है और पेपर लीक हुआ है, ऐसी बातें फैला रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस जो है इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है, परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है, मतलब इनका तो ये कहना है भाई 22 घंटे पहले, यानी आज से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये समय हो रहा था, कहीं ना कहीं कल कल के दिन, यानी 17 तारीख को ये 7 बज रहे थे शाम को, कल यानी 17 तारीख में ये जो है शाम के 7 बजे करीब यूपी पुलिस बोर्ड ऐसा कह रहा है कि हमने ये देखा है कि कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, और अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है कि सही में लीक हुआ है तो हम उसमें फिर जो है उस पर एक्शन लेंगे, ये सब चीज़ें बातें बता रहे हैं। परीक्षा सुरक्षित रूप से चल रही है, मतलब कि ये इन लोगों का तो साफ यही कहना है कि एग्ज़ाम सही से चल रहा है, कोई यहाँ पर ऐसा देखा नहीं गया है कि सही में पेपर लीक हुआ है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। और ये कल के वाले में बात है, मतलब ये लोग जो यहाँ पर ये जो ट्वीट करा है ना, ये इनका ट्वीट आया कल के पेपर हो जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जो है कल के पेपर के लिए रहा है ये ट्वीट, इनका कहना यही है कि पेपर लीक जो है वो नहीं हुआ है। चलिए हमने इनकी बात मान ली कि पेपर लीक नहीं हुआ ऐसा ये कहते हैं, तो हम भी इसको यहाँ से ट्वीट से मान लेते हैं, हम चलेंगे डायरेक्ट एक्स एक्स नाम के एप्लीकेशन पे, इनके डायरेक्ट ट्वीट जो इनका यूपी पुलिस बोर्ड रिक्रूटमेंट का जो ट्विटर हैंडल है उस पर हम आ जाते हैं, और उसमें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इनके द्वारा यहाँ पर भी अभी भी कुछ नहीं ऐसा कहा जा रहा, कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा जो ऐसा बताए बातों को कि सही में पेपर लीक हुआ है। देखिए इनका एक भी ट्वीट ऐसा नहीं है। अभी ये जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस, ये देखिए डीसीपी हैं सिटी आगरा के, मतलब जो यूपी स्टेट का जो आगरा एरिया है वहाँ के जो है ये डीसीपी हैं, और इनके द्वारा मैं एक बार इनकी जो बातें हैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, तो इसको सुनो, उत्तर प्रदेश ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आगे की जानकारियों को देखने। पुलिस देखिए कल दिनांक 16 फरवरी 2024 को एसटीएफ आगरा यूनिट और थाना हरि पर्वत के द्वारा संयुक्त रूप से एक फर्जी गैंग जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थियों से उनको सिलेक्शन कराने के नाम पर उनसे पैसा लेता था और उनको सिलेक्शन कराने का झांसा देता था, उसको गिरफ्तार किया है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, करतार सिंह और टिंकू, दोनों आगरा जनपद के ही रहने वाले हैं। इनका काम करने का, अपराध करने का तरीका कुछ ऐसा था, ये पहले अभ्यर्थियों से बात करते थे और उनको ये झांसा देते थे कि उनका सिलेक्शन वो करवा देंगे और इसके नाम पे वो 20 से 25 हज़ार रुपये एडवांस उनसे ले लेते थे, और उनके एक्चुअल जो ओरिजिनल मार्कशीट होती थी और सर्टिफिकेट 10th क्लास के, उसकी कॉपी उनसे रखवा लेते थे। इन कैंडिडेट्स में से भी इनका प्लान ऐसा था कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे उन कैंडिडेट्स को से 10 से 12 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट ये वसूल करेंगे, और जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको उनकी धनराशि वापस कर दी जाएगी। इन दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से लगभग 15 मार्कशीट्स की कॉपी, 8 आधार कार्ड और कुछ चेकबुक्स, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और 47 हज़ार रुपये कैश बरामद हुए हैं।
न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन लिया होगा। यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट आगरा यानी डीसीपी जो आपके यहाँ पर है आगरा में, इंडिया देश के यूपी स्टेट में आगरा नाम की जगह पर जो डीसीपी है पुलिस में, उनके द्वारा यहाँ पर एक बयान बताया गया है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि दो लोगों को इन्होंने पकड़ा है, जो लोग क्या कर रहे थे, जो लोग लोगों से पैसा चार्ज कर रहे थे, ये कहते हुए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इस रिक्रूटमेंट में और आपको उसके लिए कुछ लाखों रुपए में, लाखों में उसका चार्जेस उनसे लिया जा रहा था और उनसे ये कहा जा रहा था अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में तो उनको उनके रुपये भी वापस मिल जाएंगे, और अगर सिलेक्शन हो गया तो उन कैंडिडेट्स को जो जिनका ये सिलेक्शन करा रहे हैं ये दो लोग, ये उनको जो है उनका सिलेक्शन करा देंगे, और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो उनको फिर लाखों में, संख्याओं में पैसे देंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दो लोग हैं अभियुक्तों यानी दो लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया है यूपी स्टेट की पुलिस ने, जो कि आगरा जगह से पकड़े गए हैं। मैं आपको बता दूं ये कर क्या रहे थे दोस्तों, ये यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भर्ती करने का झांसा दे रहे थे कि आप लोगों को रिक्रूट करा देंगे। और मैंने कई बार कहा है दोस्तों, रिक्रूटमेंट आपको पता ही है कि दो ही लोग होते हैं, एक तो रिक्रूटमेंट करने वाले लोग और एक रिक्रूटमेंट लेने वाले लोग, तो उन दोनों के अलावा कोई तीसरा, कोई थर्ड पार्टी हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब अगर आप लोग इसमें रिक्रूटमेंट लेने जा रहे थे तो आपको सिंपल सी बात है, आपको यूपी पुलिस बोर्ड की वेबसाइट से सब कुछ देखना होता है, सिलेबस जो भी मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम निकालना होता है अपनी मेहनत से, और फिर उसके बाद आप लोगों को अगर जॉब मिली तो मिली, अदरवाइज नहीं मिली। अगर आप कॉन्स्टेबल पुलिस के अंदर भी आप लोग अगर चीटिंग और इन सब तरीकों से जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जॉब भी सही से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि झांसा देने वाले दो लोगों को इन्होंने एसटीएफ ने पकड़ लिया है। आगरा व थाना हरी पर्वत की टीम द्वारा जो है इन्होंने 16 तारीख को गिरफ्तारी कर ली है, और इन्होंने बताया कि 47,000 रुपीज़ और एक कार और दो मोबाइल और 20 प्रवेश पत्र यानी कि 20 एडमिट कार्ड, आप समझ रहे हो, 20 लोगों के एडमिट कार्ड और 15 अंक अंक तालिका यानी मार्कशीट और 20 चेक, 20 चेक इनके पास से मिले हैं इन दो लोगों के पास से, और 8 आधार कार्ड की बरामदगी, मतलब कि उनके वहाँ से जो है रिसीव्ड हुए हैं पुलिस को, बरामद मतलब सिंपल सी बात है कि 8 आधार कार्ड भी मिले हैं इनके पास। आप कहोगे कि दो लोग हैं 8 आधार कार्ड, जी हाँ, इन दो लोगों के पास 8 आधार कार्ड थे और 20 चेक थे और 15 मार्कशीट्स थी और 20 एडमिट कार्ड्स थे और दो मोबाइल इन दोनों के पास से मिले और एक कार मिली है और 47,000 रुपीज़ इनके पास से मिले हैं, और इसमें इन्होंने कहा है तो उनको इन्होंने जो है गिरफ्तार कर लिया, मतलब अरेस्ट कर लिया, और अब उनके साथ जो भी एक्शन होना है वो कोर्ट देखेगा, और पुलिस का काम है, पुलिस और कोर्ट के बीच में अब ये लोग फंस गए ये दोनों, ठीक है। तो आपको साफ साफ पता लग गया कि भाई देखिए 16 तारीख को जो ये सीन हुआ वो तो इन्होंने साफ बता दिया, तो जो भी ट्रस्टेड बातें हैं वो खुद यूपी पुलिस बोर्ड खुद यहाँ पर बता रहा है एप्लीकेशन पर, एक्स नाम के एप्लीकेशन पे खुद वो सब सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखो थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा, अभी इन्होंने एक चीज़ और बताई है यहाँ पे, ये भी इन्होंने और लोगों को रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ही गिरफ्तार किया है। तो यहाँ आप देखोगे ये बिजनौर यानी यूपी स्टेट के बिजनौर से भी कुछ लोगों पे एक्शन हुआ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं यूपी पुलिस बोर्ड ने खुद यहाँ पर अपनी वीडियोज़ को भी बताया, पुलिस वाली वीडियोज़ को भी दिया है, और सारी बातों को लिख कर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है तो हम साफ साफ बता रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पेपर लीक वाली बात तो अभी यूपी पुलिस बोर्ड भी नहीं मान रहा है, क्योंकि देखिए मानना जो है ना वो मुश्किल है, क्योंकि आप खुद सोचो कि अभी तो सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म करके लोग घर आए होंगे, अभी क्या है इसमें कल तक, मतलब हो सकता है ये सुबह में या फिर कल दोपहर शाम तक अगर कोई ट्वीट आया तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ कंफर्मेशन मिल जाए कि आपका पेपर सही में लीक हुआ है। अभी के हिसाब से आप ये मान सकते हो कि पेपर लीक नहीं हुआ। अगर आप ऑफिशियल बात करो तो ऑफिशियली बता दूं कि ऑफिशियल कभी डिक्लेयर नहीं हुआ पेपर लीक का, लेकिन अगर आप अनऑफिशियल्स की बात करोगे तो मैं वहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए देखिए, मैं इस एप्लीकेशन पे आया, मैंने पेपर लीक डाला, सिर्फ पेपर लीक डाला है दोस्तों, आप देखोगे आप मानोगे नहीं कि पूरे एप्लीकेशन पे पेपर लीक में अभी सिर्फ जो दो ही चीज़ें आ रही हैं। आप देखो किसी प्रदेश में पेपर से पहले, देखो यूपी पुलिस एग्ज़ाम, आप समझ रहे हो पेपर लीक में सबसे ऊपर जो है इस एप्लीकेशन पर सिर्फ यूपी स्टेट की बात चल रही है। आप देख सकते हो सस्ता पड़ेगा सर, आप पूरा पैकेज ले लीजिए, लीक के साथ साथ हम पेपर हल कर
के भी दे देंगे। तो ये एक तरीके से बनाया गया है, फोटो है लोगों के द्वारा, ठीक है। कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट खींच रहे हैं, कुछ लोग मज़े मार रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं हर सुविधा उपलब्ध है, जनहित में जारी। देखिए ये इस तरीके से आ रहा है और ये सारा कुछ यूपी स्टेट के पेपर लीक के बारे में आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, अभी से आप देखोगे ये आपका 15 घंटे पहले, बिल्कुल ये बिल्कुल मैंने अभी खोला हुआ है, ये 15 घंटे पहले आप देखोगे यहाँ पर 18 तारीख के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ठीक है। और आप देखोगे 15 घंटे पहले, तो कहीं ना कहीं ये जो है सुबह की बात हो रही है, ये सुबह का समय हो रहा था, सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे। आप सोचो आज ही के दिन सुबह के 6-7 बजे यहाँ पर आपको हमको दिख जाता है, आज ही के शिफ्ट के जो भी आंसर हैं आप देखोगे, ये आपका जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर कुछ इसी तरीके से थे, ठीक है। हाँ ये सारे आंसर्स हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर था उनके आंसर इस तरीके से है। तो ये लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें डाली गई हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। अभी आप देखोगे मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ, और भी कुछ इमेजेस हैं, देखिए ये सब देखिए कब बात हो रही है, 14 घंटे पहले, यानी एग्ज़ाम होने से पहले, ये 18 तारीख का पेपर होने से पहले ये लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आंसर्स आप देखोगे, ये क्वेश्चंस आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन देखे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आए थे वहाँ पर पेपर में और उनके आंसर इस शीट में लिखे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो ये इसमें आपका जो है 11 इसका जो है आंसर था और वो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ ये AVAJ ये जो इसका आंसर है वो आप देखोगे यहाँ पर, मैं आ जाता हूँ तो इसका आंसर बी है, और बी आंसर ही इसमें आंसर की में दिया हुआ है, मतलब आंसर की नहीं है ये, मतलब ये एक चीट शीट है कि चीटिंग के लिए बनाया गया एक शीट है जिसपे लिख दिया है आंसर सारे, तो वो आप देख सकते हो। थोड़ा इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर देखिए इसी के नीचे आ जाते हैं हम, देखो भाई ये 65 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 65 वाले क्वेश्चन का आंसर जो है ये 14 है, ठीक है। यानी कि इस पूरे जो ऑब्जेक्ट, ये आपको इमेज दिख रहा है इसमें कितने जो है स्क्वायर है, कितने डब्बे हैं वो बताना था, तो 14 इसका आंसर है और वो यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सारे आंसर आपको दिख रहे हैं। तो अब आप कहोगे यार ये आंसर तो पहले से इसमें दिए हुए हैं, तो इसका मतलब तो पेपर लीक हो गया है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा और इसके आगे आप दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो सेकेंड शिफ्ट का पेपर लीक, देखिए 15 घंटे पहले एक किसी ने डाला है कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया है। देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हैं, क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आए थे और ये पूरा पेपर लीक ऐसे तरीके से लोगों ने डाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अभी कि ये सच है या नहीं है, आप पहले इसको पूरा समझो, आपको देखना है कि ये देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये ARO और RO का जो आपका पेपर लीक था उसके लिए लोगों, उसके द्वारा जो कैंडिडेट्स थे जो लोग एग्ज़ाम दे रहे थे ARO और RO पे पोस्ट के ऊपर, जो कि रेव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफ रेव्यू ऑफिसर इंडिया देश के यूपी स्टेट में, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि लोग रो रो कर कैसे कह रहे हैं। मैं आपको ARO और RO वाला भी दिखाना चाहता हूँ एक बार वीडियो, थोड़ा सा इसको समझें। सुनेंगे क्योंकि वो हमें क्या कहना चाहेंगे, योगी जी से कहते हैं कि आप बहुत न्याय की निष्पक्ष न्याय करते हैं, हम लोग की न्याय करिए, हम लोग के साथ आप न्याय करिए, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कब तक हम लोग के पेरेंट्स देंगे पैसा, एक स्टूडेंट घर में रूम में किस तरह प्रयागराज में रहता है, कैसे रहता है, आप बोलिए, अब कुछ नहीं कहना, योगी जी हम लोग की बात सुनेंगे क्योंकि वो हम लोग के लिए ही है, है ना, वो न्याय के लिए ही है। बहुत क्या कहना चाहेंगे, योगी जिसे कहते हैं कि जैसा आप लोगों ने ये महिला द्वारा एक वाक्य सुना, एक बातें सुनी, जो दो चार बातें इस तरीके से कही जा रही हैं कि ARO और RO नाम का जो एग्ज़ाम था पोस्ट का यूपी स्टेट में, जिसको लेकर ये महिला ये कह रही है कि भाई पेपर लीक हुआ है, और हम इतना जानते हैं कि जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे और जल्द ही इस पेपर लीक के ऊपर थोड़ा एक्शन लेंगे या जो भी कुछ है उसको सॉल्व करेंगे, हमें यूपी स्टेट के गवर्नमेंट पर भरोसा है, यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर पर जो है फुल प्राउड है, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर महिला ने कहा है। ये ARO और RO पोस्ट के कहा है, ठीक है, ये कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पे नहीं कहा, तो आप इस बात पे मत मानना, लेकिन इस महिला द्वारा ये कहना है कि भाई इसमें जो है पेपर लीक हुआ है, करने वाले दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाए और परीक्षा निरस्त की जाए। तो ये कुछ जो आप देख सकते हो, ये किसी के द्वारा ट्वीट है, राहुल सैनी नाम के व्यक्ति द्वारा ये ट्वीट है जिसमें वीडियो डाला गया है, और ये बिल्कुल अभी वाला एग्ज़ाम है, आपको पता हो जो अभी ARO और RO एग्ज़ाम हुआ था, आप तो कांस्टेबल वाले हैं, बाकी लोगों का भी लीक बताया जा रहा है। थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, ये कुछ एक और
आप देखोगे ये 16 घंटे पहले, आप समझ रहे हो, ये एग्ज़ाम होने से पहले बता रहे हैं ये सब लोग कि पेपर लीक हो गया, ये देखो सारे आंसर्स बता रहे हैं किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और ये सारा कुछ, और लोगों ने एग्ज़ाम में भी यही सेम चीज़ें देखी हैं, तो लोगों के द्वारा कहा जा रहा है ये पेपर लीक है। अभी काफ़ी बार क्या होता है ना दोस्तों, किसी भी बड़ी रिक्रूटमेंट होती है, कभी कभी कोई बड़ा एडमिशन एग्ज़ाम हो रहा है या बड़ा कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो लोगों द्वारा एक तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है, तो काफ़ी इसमें आप लोग ऐसा मान सकते हो, कुछ लोग गलत बातें भी कह रहे हैं ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन आप लोग देखोगे तो इनके सेम ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप देख लो जो इनके द्वारा ट्वीट हैं उसमें जो आंसर्स हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आपके पेपर में एक्चुअल में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी मान लो कि इस पेपर को कहीं ना कहीं लोगों द्वारा कहा जा रहा है तो लीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आज ही के दिन का 18 ही तारीख का आपको शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस और एंजाइटी और स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है भाई जो ये बता दे आप लोगों को कि जो है इंटेलिजेंस बता दे और बुद्धिमानी बता दे, इंटेलिजेंस और ये बता दे कि जो है चिंता और साथ में शक्ति, इन तीनों ऐसी कौन सी इमेज है जो आपको इस ये सारी चीज़ें बता दे, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था, हल करें कि 2 × 6 माइनस और 12/4 +2 कितना होगा, इसका आंसर आपसे पूछा गया, ठीक है भाई साफ साफ समझ आ रहा है, इसका आंसर आपसे पूछा गया तो आपको बताना था इसमें से कौन सा आंसर है। फिर उन्होंने पूछा एस ए से लंबा है, एस जो है वो ए से लंबा है और आर जो है वो टी से लंबा, सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, तो आर जो एस जो है वो सी से छोटा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, मतलब इन सब इन सारे वर्डों में से लंबा सबसे लंबा कौन है, ये इन्होंने पूछ लिया, तो आपको इनमें से बताना था कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी देना था, फिर फिफ्थ का आंसर देना था, सिक्स का देना था, तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन थे, ये आज ही के दिन का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। हाँ तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने प्रोवाइड करा दिया, आप लोग चेक कर सकते हो आज के क्वेश्चन पेपर को, और आंसर की अभी जो है रिलीज़ नहीं हुई है, आपको मैंने कई जगह देखा आंसर की नहीं आई, जैसे ही आएगी मैं मिल जाएगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से था, थोड़ा मैं इसी में आगे चलूँगा, तो देखो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है आप लोगों का, ठीक है, ये आज ही के दिन का है। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, एक और मैंने आपका डाला था पेपर लीक, पेपर लीक का दोबारा डाला था मैंने, तो देखिए यहाँ पर वही आ रहा है, तो पेपर लीक में कहीं भी आप देखोगे तो इस जो ट्विटर पे जो है वो यूपी स्टेट के कॉन्स्टेबल पेपर लीक को ही एक बड़ा जो है अपडेट आपके लिए आ रहा है, तो मैं भी मान रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है, 60% कन्फर्म्ड है कि पेपर लीक हुआ है। अब मैं थोड़ा इसमें गया, मैंने गया गूगल पे, ठीक है, एक वेब ब्राउजिंग गूगल आप जानते हो एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, तो मैं इधर आया तो मैंने इधर देखिए क्या डाला, मैंने डाला यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पेपर लीक ट्रुथ, भाई सच्चाई बताओ क्या है, तो यहाँ पर मेरे को आ गया कि यू अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस बोर्ड इन्होंने साफ बोला है कि द क्लेम दैट कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल जो लीक हुआ है वो गलत है, ठीक है, तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो पेपर लीक वो गलत है, और ये साथ में ये भी कह रहे हैं हैज सेड कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन करी गई है सोशल दैट कि सोशल मीडिया यूज़र जो हैं, जो मतलब सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं, जैसे कि जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया क्या होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो सोशली आपको एक बार में आपके तरफ आपके पास सारी डिटेल पहुंचा देती हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया और व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही हैं, तो आप जानते ही हो, तो आप देखोगे यूज़र्स आर स्प्रेडिंग मतलब फैला रहे हैं गलत जानकारी कि पेपर लीक हुआ है, वो कैसे गलत जानकारी फैला रहे हैं, ये हम लोग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं एक सोशल मीडिया यूज़र हो गया, आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप लोग भी सोशल मीडिया यूज़र हो, लेकिन इनका ये कहना है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ऐसी जानकारी फैला रहे हैं कि आपका पेपर लीक हुआ है, और वो लोग फैला कैसे रहे हैं बता रहे हैं कि टेलीग्राम नाम के एप्लीकेशन पर एक एडिट नाम के फीचर को यूज़ करके उन्होंने फ़ोटोएँ लगा दी हैं और उसमें एडिट करके जो है उन्होंने बता दिया है कि भाई पेपर लीक हुआ है, असल में पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा इनके द्वारा कहना है, ठीक है। अभी देखते हैं दो एक दिन में क्या इसके ऊपर आ जाता है, मेरे हिसाब से तो भाई आपका पेपर लीक हुआ है, इतना देखिए मैं आपके साथ साफ साफ बता दूं पेपर लीक होने के चांसेस में मैं ज़्यादा हूँ, मतलब कि मेरा जो अगर आप ये पूछो कि मेरी तरफ से कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, तो 60% पेपर लीक हुआ है और 40% नहीं हुआ, ऐसा मेरी तरफ से कहना है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं एक दो दिन में आ जाएगा ऑफिशियल अपडेट, अगर पेपर लीक हुआ होगा और आप लोग इस बात की सच्चाई जानते हो कि पेपर लीक हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं पेपर दोबारा हो सकता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होना है, कुछ इतना अलग नहीं होगा, बस ये है कि लोगों को दोबारा सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम देने होंगे और
बस यही है, और ये उनका समय गया बेकार, इतना ही होगा अगर पेपर लीक एक्चुअल में निकला तो। तो मैं आपको साफ, अगर अगर कंक्लूजन आप मेरे से पूछो तो सिंपल सी बात यह है कि अभी ना मैं कुछ कह सकता हूँ पेपर लीक हुआ है, ना कोई और कुछ भी कह सकता है, कोई भी कंफर्मेशन आपको अभी दे ही नहीं सकता। कंफर्मेशन कौन देगा? यूपी पुलिस बोर्ड देगा। तो यूपी पुलिस बोर्ड जैसे ही अपना ट्वीट दे दे या जैसे ही कोई नोटिस दे दे कि एक्चुअल में पेपर लीक हुआ है तो हम भी उसको मान लेंगे, और अगर वो कहते नहीं हुआ है जैसा अभी तक कह रहे हैं तो आप यही मानो कि इसी के बिहाफ पर आपकी रिक्रूटमेंट होगी जो भी आप एग्ज़ाम देकर आए हो। ठीक है, सारी डिटेल क्लियर हो गई होगी। तो अभी आप लोग मेरी तरफ से ये मानो पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इतना मान लो पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, और कोई आपको कोई इसके ऊपर रहे कोई भी आपका पॉइंट तो जरूर कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को पूरे इंडिया के लोगों तक पहुंचा दें कि भाई ऐसा कुछ अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, तो आप इतना घबराए नहीं। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए, और चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।